स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देखेंगे परिमेय 6.1 जिसको थेल्स परिमेय भी कहते हैं या आधारभूत समानुपातिक परिमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक परिमेय या थेल्स परिमेय या परिमेय 6.1 सबसे पहले वही देख लेंगे, क्योंकि यही परिमेय 6.1 से ही पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है, तो जानना पड़ेगा 6.1 परिमेय क्या है और ये क्या कहना चाहता है। तो 6.1 परिमेय आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा या किताब में तो होगा ही क्वेश्चन, परिमेय जो है क्वेश्चन है परिमेय। ठीक है, तो परिमेय किधर है, हाँ कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है मान के चलिए ए बी सी, बोला है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये भुजा है तो इसका एक समांतर भुजा खींच देना है। तो ये जो समांतर भुजा है अन्य दो भुजाओं को, ये और ये अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा गया, ये समांतर रेखा। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ये जो दो भुजा है वो अनुपात सेम होगा, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे तो बराबर आएगा। अनुपात मतलब डिवाइड बटा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इतना बाय इतना, इतना बाय इतना करेंगे बराबर आएगा, है ना। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एक भुजा का समांतर एक भुजा खींच दीजिए। ठीक है, तो ये जो भुजा खींचे वो बाकी जो दो भुजा है, यानी इसका तो समांतर खींचे, तो इसके अलावा त्रिभुज का दो बाकी भुजा है, तो ये दोनों भुजा में जो ये लाइन प्रतिच्छेद करेगा वो वाला बराबर अनुपात में बंट जाएगा, ये और ये दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। जैसे अगर ये दो और चार है तो ये होगा 3/6, यानी कि इसको काटेंगे दो अनुपात निकालेंगे, 2 × 2, 2 × 4, 1/2 आएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 1/2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बराबर अनुपात में ये विभाजित करता है, बांटता है, ये कहना है थेल्स का। इसीलिए थेल्स परिमेय कहते हैं, थेल्स नामक गणितज्ञ ने इस परिमेय को दिया था। तो इसको हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक रचना करना है, क्या रचना करना है, ये जो B है और E उसको मिला देना है, इधर C और D को मिला देना है, और यहाँ से एक 90 डिग्री खींचना है, यहाँ से एक 90 डिग्री जो कि E में 90 डिग्री ये रहना चाहिए, एक वो यहाँ से एक 90 डिग्री यहाँ खींचेंगे, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इतना सा काम करना है रचना में, उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे क्या क्या किए हैं और कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखना क्या लिखा जाता है, दिया है, क्या दिया है, तो ए बी सी डी, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समांतर, बी सी समांतर डी ई है, समांतर का ये साइन होता है ये तो मालूम होगा, तो ये दोनों समांतर है, इतना सा दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एडी, एडी अपॉन ये वाला डीबी, डीबी या बीडी भी लिख सकते हैं, बराबर एई अपॉन ईसी, ये हमको सिद्ध करना है, यानी ये बटा ये दोनों का अनुपात बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो रचना, कुछ रचना अगर करें, यानी कुछ एक्स्ट्रा जितना दिया हुआ है उसके अलावा कुछ अगर छेड़छाड़ करेंगे चित्र में फिगर में, तो उसको यहाँ रचना में लिखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक त्रिभुज और ये समांतर भुजा दिया हुआ था, यह जो काला दिख रहा है वो वाला दिया हुआ था, लेकिन ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है उसको हम छेड़छाड़ किए हैं अपने से, तो वो जो छेड़छाड़ करना है उसको रचना में लिखना है। रचना में लिखेंगे बी, बी से ई और D
डी से सी को मिला है, ये वो काम करे। और एक ठो काम किया है, ए डी और ए डी लंब, मतलब 90 डिग्री खींचे, ए डी का 90 डिग्री। अच्छा यहाँ नाम लिख देते हैं, तो नाम यहाँ जो लिखा हुआ वही लिख देते हैं, एम एन लिख देते हैं, ठीक है। तो एन ई खींचे, ए डी लंब, एन ई लंब माने 90 डिग्री, लंब का ये साइन होता है 90 डिग्री का। तथा इधर ए ई का भी तो लंब खींचे, तो ए ई लंब एम डी या डी एम खींचे। इतना सा काम कर दिए हैं रचना में। उसके बाद प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण लिख के इसको प्रमाणित प्रूफ करना चालू करेंगे, ठीक है, प्रूफ करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल देंगे। याद कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो वहीं से काम करेंगे, यहाँ पे ये जो लंब दिया हो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या, वो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज देखिए, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का जो 90 डिग्री, 90 डिग्री माने सीधा होता है, ऊंचाई क्या है, सीधा ना होता है, तो ये सीधा है मतलब ये ऊंचाई कह सकते हैं। कोई त्रिभुज ऐसा है, ध्यान से देखिए ऊंचाई कैसा कैसा हो सकता है, ये त्रिभुज है, इसका ऊंचाई कौन होगा, तो गलती से इसको ऊंचाई या इसको ऊंचाई नहीं समझना है, ठीक है। ऊंचाई कौन है, तो ये सीधा, ऊंचाई मैंने एकदम सीधा ही होगा, तो सीधा इसका कहाँ पड़ रहा है, देखिए यहाँ, तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और कोई त्रिभुज ऐसा है, ऐसा, अब इसका ऊंचाई कौन है, ये तो नहीं कह सकते हैं, ये तो ऊंचाई नहीं कहा कि यहाँ तो हाइट हाइएस्ट पॉइंट यहाँ दिख रहा है, अब इसको ऐसा करेंगे तब तो ये तिरछा हो गया, तो ये भी तो ऊंचाई नहीं, तो है कौन इसका ऊंचाई, तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और यहाँ से देखेंगे ये ऊंचाई इसका हो गया, ये हाइट, समझे, ये सब नहीं है। तो वही चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ऊंचाई कौन है उसको, ठीक है। तो चलिए ऊंचाई को देखते हैं, इसको समझ गए होंगे ऊंचाई कैसे निकलेगा, कौन ऊंचाई है। तो सबसे पहले देख, हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसका देखिए, इधर से एक बार देखिए, तो ए डी, ए डी को अगर आधार माने, ए डी तो ऊंचाई क्या होगी, ए डी आधार, आधार है तो आधार से ऊंचाई देखते हैं, एन ई, एन ई ऊंचाई हो जाएगा गुना, ठीक है। कौन मैसेज कर, ए डी ई देखिए, इधर से देखिए ध्यान से एक चीज और समझिए, त्रिभुज ऐसा है, अगर ये आधार है तो यहाँ से ऊंचाई देखेंगे, और अगर आधार ये रहेगा तो यहाँ से ऊंचाई इधर देखना होगा, ठीक है। तो वैसे अगर ये आधार लिए ए डी, तो ऊंचाई यहीं से देखना होगा, यहाँ से एन ई हो गया ऊंचाई, ठीक है, इसको मान लेने का समीकरण वन। उसके बाद इधर आ जाना है, बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं ये वाला, तो ध्यान से देख आधार कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा, गौर से देखना है, यहाँ कोई ऊंचाई नहीं दिख रहा है, देखिए ऊंचाई इसका कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऊंचाई इसका देखिए, ये लाइन आगे जा करके यहाँ देखिए, ये ऊंचाई होगा, यानी बी डी, त्रिभुज तो यही तक ना है, बी डी ई यहाँ से यहाँ तक है, तो बी डी 1/2 इंटू बी डी हो जाएगा गुना ऊंचाई कौन होगा, तो ये तिरछा वाला लाइन है, तो ऊंचाई एन ई होगा, एन ई यही वाला ऊंचाई होगा, ठीक है, समीकरण दो मान लेंगे। ऐसा वाला त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया ना, जैसे ऐसा त्रिभुज है, तो इसमें तो ऊंचाई इधर वाला नहीं कह सकते हैं ना, इसको ऊंचाई कह सकती है, तो तिरछा है, तो ऊंचाई लाने के लिए क्या करना होगा, इसको लंबा करके, ये ऊंचाई है इस त्रिभुज का, ये इतना ऊंचा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से तो नहीं दिया हुआ, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एन ई, ये ऊंचाई है, ठीक है, समीकरण तो दो हो गया। फिर से ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर से ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इससे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ बी डी ई, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी तो डिवाइड होगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू एन ई डिवाइड बाई 1/2 इंटू बी डी इंटू एन ई, ये 1/2 से 1/2 खचा खच कटेगा, एन ई से एन ई कटेगा, तब बचेगा कौन,
ओकरा लिख देना है। ठीक है, क्या बचेगा? AD बाय BD, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। तो ये AD बाय BD बच गया, समीकरण 3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद उसको साफ करके आगे बढ़ेंगे। इधर हाँ, अब फिर से क्या करना है, ADE का फिर से एक क्षेत्रफल निकालो। ADE, एरिया ऑफ AD, कहिएगा फिर से काहे को निकाल रहे हैं। तो एक बार निकाले थे इसको आधार मान के, AD को, अगर अब इसको आधार मानते हैं AE को, तो 1/2 इंटू आधार AE हो गया। तो AE को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, MD, ऊंचाई क्या हो जाएगा, MD। एक ना मान ले समीकरण 4, उधर 3 को हुआ ना, 1, 2, 3। हाँ, फिर अब इसके हिसाब से इधर वाला DCE, एरिया ऑफ DCE, इसका क्षेत्रफल निकाल लेगा। तो इसका 1/2 इंटू आधार ये CE को लिखेंगे, कहे कि CE वाला लाइन से ही, देखिए CE वाला लाइन से ही ऊंचाई है DM या MD, गुना है MD। ऊंचाई समझ में आया, यहाँ ऊंचाई नहीं दिख रहा है, इसका ऊंचाई यहाँ गया, ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, फिर से डिवाइड कर दो दोनों को। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू 1/2, 1 डायरेक्ट काट देना है, छोड़िए, 1/2 इंटू AE इंटू MD, नीचे हो गया 1/2 इंटू CE इंटू MD, MD से MD कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो बचेगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू AE बाई CE, एक मान ले 5। समीकरण बाद का निकालना था, AD बाई BD आया, AE बाई EC भी आया, लेकिन अभी दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, तो 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, कौन सा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। एक ही आधार कौन है, BC है। ठीक है, एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा, देखिए एक ही समांतर रेखा, ये BC समांतर DC, BC समांतर DE, BC समांतर DE, दोनों समांतर है। देखिए आधार BC और एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE पर दो त्रिभुज है, पर दो त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज कौन कौन, BDE और एक त्रिभुज ये वाला भी है DCE है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच ये दोनों त्रिभुज स्थित है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है, यहाँ देखिए ADE समीकरण 5 से, समीकरण 5 को देखेंगे, इसको 6 मान लीजिए, 6, तो एरिया ऑफ ADE है और BDE DCE बराबर ना है, BDE DCE, तो DCE की जगह में हम BDE लिख सकते हैं, यहाँ 5 और 6 से लिखेंगे ना, दोनों का यूज हो रहा है, समीकरण 5 और 6 से, तो बराबर वही AE बाई CE। अब गौर से देखें, यहाँ देखते ADE बटा BDE है, यहाँ भी ADE बटा BDE है, और यहाँ इसका मान आया AD बाई BD, यहाँ आया AE बाई CE, मतलब काम खत्म। ये मान ले 7 समीकरण, समीकरण कौन कौन से, उधर तीसरा, 3 और
सात से, बराबर आ गया। क्या बराबर आया उधर है AD, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। प्रूफ दिख रहा है ना, AD बाय BD आया, यहाँ भी AD बाय BD दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ आया EC बाय EC, तो इधर बराबर है, इधर लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी तो बराबर होगा, यानी ये हो ये भी बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा, ठीक है, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट अभी कर दीजिए, वरना फिर भावनाओं में बह जाते हैं, लाइक कमेंट करे बिना भाग जाते हैं, वैसा नहीं करने का, ठीक है। यह लाइक और कमेंट करके बताइए समझ में आया, अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब 6.2 जो परिमेय है, 6.2 परिमेय जस्ट इसका उल्टा है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। 6.2 परिमेय में कहा है कि अगर एक त्रिभुज है उसमें एक लाइन खींच दे ऐसा, तो ये बराबर अनुपात में बंटता है, तो बराबर अनुपात में बंटता है, बंट रहा है, इसका मतलब BCDE समांतर है, ये प्रूफ करना, मतलब ये वाला दिया हुआ है जो सिद्ध करना वाला दिया हुआ है, और वाला प्रूफ करने ये वाला, तो समझ में आ गया, इसका विलोम है ना, तो ये कौन सा परिमेय इसको कहते हैं, थेल्स परिमेय नाम है इसका, थेल्स विज्ञान इसका जो दिया था, थेल्स ने दिया था, इसलिए थेल्स परिमेय भी कहते हैं, और या इसको आधारभूत, कौन सा भूत, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, परिमेय लिख दिए, प्रमेय होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक, थ्योरम, तो ये दो नाम है, दो नाम से इसको जाना जाता है, तो कहीं पे इसका यूज होगा तो लिखेंगे थेल्स परिमेय से या समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिक परिमेय से या परिमेय 6.1 से भी लिख सकते हैं, ठीक। हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरम रहेगा उसको बताते चलेंगे, बाकी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं इसलिए ज़्यादा उधर इधर फालतू फालतू क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। 6.2 में क्वेश्चन कह रहा है, आकृति 1 और 2 में DE समानांतर BC और BC में AD याद कीजिए। आकृति 6.1 और 2 में DE समांतर BC है, 1 में EC और 2 में AD याद कीजिए। अच्छा चलो, ऐसा एक चित्र बनाया हुआ है, ऐसा तीर आर पार किया हुआ है, देखो बबुआ एक तो और बनाइए लिखा क्वेश्चन, चलो बेटा कितना लफड़ा नहीं, BC समांतर DE दिया हो, BC समांतर DE, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि BC समांतर DE है, समांतर रहने से अभी वो परिमेय पढ़े कौन सा परिमेय, इसीलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, कौन सा परिमेय, आधारभूत समानुपातिक परिमेय है ना, आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय ऐसा कहते हैं, लेकिन आधारभूत भी लिख सकते हैं, आधारभूतिक समानुपातिक परिमेय से या थेल्स परिमेय से लिख दीजिए। क्या कहें परिमेय में क्या पढ़े अभी, कैसा जब भी समांतर रहे तो E/E बराबर होता है, मतलब AD AD/ ये वाला DB DB या BD अन्य से AE AE/EC ये बराबर होता है, या सी बराबर होता है, यह नहीं पढ़े इतना बटा इतना इतना बटा बराबर होता है, चल कोई बात नहीं, इसी लिख देते, AD दिया हो 1/2, BD दिया हो 3, AE दिया हो 1, EC नहीं है छोड़ दे,
तीन गो दिया है तो एक ठो नहीं पता चलेगा, इसी भाग में एने कर दे तो गुना हो जाएगा, 1.5 इसी हो जाएगा, ये तीन भाग में उन्हें कर दे तो 3 × 3 इसी 1.5 गुना में उन्हें जाएगा भाग, 1.5 × 3 2 आ गया आंसर, इसे आ गया 2। सेम ऐसे ही एक और है जिसमें मतलब समांतर लाइन थोड़ा ऐसा है तो चलन जैसा भी कह दी तो ए बी सी डी ई 1.8 5.4 चलते ए डी निकालना है। फिर से वही बात को लिखेंगे, कौन सा बात, ये वाला बात, यहाँ पे कौन सा समा कौन समांतर, बी सी समांतर डी है, बी सी समांतर डी है, इसीलिए आधारभूत परिमेय से या थेल्स परिमेय से या प्रमेय 6.1 से लिख सकते हैं, 6.1 से परिमेय 6.1 जाने ए डी बटा बी डी या डी बी जो है ये एन ए मतलब ए बटा ई सी के बराबर होगा, ए डी कुछ नहीं तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, बी डी है 7.2 तो लगा देंगे 7.2, इधर ए है 1.8 5.4, ए डी निकालना है तो ए डी छोड़ दे, बाकी को हटाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाओ उधर, 1.8 बाय 5.4 इंटू हो गया भाग में है तो गुना, 18 × 3 = 54 होगा, पॉइंट से भी पॉइंट कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटा हो रहा, 18 × 3 = 54, 3 × 3 = 6.3 × 12 2.4 cm आंसर। बेहद सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रश्न, किसी त्रिभुज पी क्यू आर और भुजाओं की भुजाओं क्यू पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो पहले त्रिभुज बनाना होगा, कैसा त्रिभुज बना, पी क्यू आर, तो ये सिंपल एक त्रिभुज बना देते हैं, पी पी क्यू आर एक्सपायर हो गया, पी क्यू आर बना दिए, ओकरा में बोला है पी क्यू और क्यू आर पर दो गो बिंदु है ई और एफ, पी क्यू पर ई है और यहाँ एफ है, लगा दीजिए यही एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो त्रिभुज हो गया, आप पहला क्वेश्चन एक हम देखेंगे तो बोला पी पी ई पी ई 3.9 है, पूछा है क्या जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर का, ये क्वेश्चन कहा है, ई एफ जो है ये क्यू आर का समांतर है कि नहीं वो बताना है, तो क्वेश्चन है पी बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3 cm सेंटीमीटर है सब, पी एफ बराबर 3.6 और एफ आर बराबर 2.4। चल चेक करते हैं, देख बबुआ यहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से समांतर है कि नहीं ये बोला है, तो अगर समांतर होगा तो एक कंडीशन जानते हैं, समांतर होगा इसका मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर आएगा तो कहेंगे हाँ समांतर है, तो पी अपॉन क्या करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू उधर पी एफ अपॉन एफ आर है, लगा के देख ले पी ए कितना है, पी 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 है 3.9, ई क्यू कितना, ई क्यू है 3 बराबर पी एफ, पी एफ है 3.6 बटा 2.4, ये बराबर आएगा तो कहेंगे हाँ भैया समांतर है, नहीं बराबर आया तो समांतर ना होगा, काटेंगे 3 × 3 = 3 1.3 आया, उधरों आना चाहिए 1.3, काट के देखते, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 12 × 2 = 24 12 × 3 = 36 दो से काटते हैं, 2 × 1 = 2 पॉइंट लगेगा, 1 जाएगा 10 होगा, 2 × 5 = 10 गड़बड़ हो गया, नॉट इक्वल टू बराबर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, चूंकि चूंकि क्या चूंकि चूंकि लिखते रहेंगे, नहीं बराबर है मतलब
इसीलिए EF समांतर QR नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है, बराबर आते तो समांतर है। आगे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, चित्र तो यही है, यही है चित्र, खाली क्वेश्चन का वैल्यू अलग दिया हुआ है, इसका मान अलग दिया हुआ है। मान दिया हुआ है दूसरा नंबर में PE4, PE4 सेंटीमीटर, QE 4.5, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9। चल फिर से लगा देंगे फॉर्मूला, कोई हड़बड़ी नहीं। PE अपॉन EQ, उन्हें PF अपॉन FR, PE कितना है 4 है, EQ कितना है 4.5 है, PF कितना है, PF 8 है, FR कितना है 9 है, ये हो तो उठेगा बराबर है। देखिए ध्यान से कैसे ये पॉइंट वो हटा देते हैं, मान चलिए तो पूरे 0 लगेगा, तो हो गया 40/45, एन हो गया 8/9, देखिए 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9 एन भी आया, उन भी 8/9 है बराबर। तो क्या लिखेंगे, चूँकि PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR बराबर है, इसीलिए प्रमेय 6.2 से, 6.2 से क्या EF समांतर QR है। 6.2 में कहा कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये समांतर होगा, 6.1 में कहा कि ये दोनों समांतर है तो ये बराबर है, यानी 6.1 का ये उल्टा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और इसको हट, तीसरा PQ 1.828 सेंटीमीटर, PR 2.65 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर, PF 0.36 सेंटीमीटर। चलिए पॉइंट को है डराना नहीं, खाली तो पॉइंट वाला देख कर डर जाता है, तो लिखा ही है ना। PE अपॉन EQ, इसको ऐसा भी निकाल देते, पहले PE अपन EQ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट हो जाएगा। PE अपन EQ निकालें तो PE कहाँ है, PE देखिए 0.18 है, अपन EQ कहाँ है, अरे PQ दिया हुआ है, P से पूरा Q यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 1.28, ठीक है, उसको PR दिया हुआ, PR यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2.56, ठीक है। अब PE दिया हुआ 0.18, PE कहाँ है, PE ये वाला दिया हुआ है 0.18, ये छोटका वाला को अंदर लिख देते हैं, ये इसका है, ठीक है, इसका 1.18 PF दिया हुआ है 0.36, ये वाला कने से लिख दे 0.36 दिया हुआ। तो यहाँ पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको निकालना पड़ेगा बाबू, EQ है ना, EQ नहीं दिया, तो EQ कैसे निकलेगा, देखो तो EQ तो PQ दिया हुआ है ना, PQ टोटल दिया हुआ, ओकरा माइनस कर देंगे छोट का यहाँ से यहाँ तक, PE को PE दिया हुआ, PE माइनस कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक में यहाँ तक माइनस कर दिया, तो बचेगा यही बोला EQ, ठीक है, तो EQ बराबर PQ माइनस PE, तो PQ है 1.28 माइनस PE है 0.18, माइनस करेंगे 8 में 8 0, 2 में 1 1.1, ठीक है, तो EQ आ गया। इसी तरह यहाँ पर FR नहीं दिया हुआ है, FR तो FR बराबर क्या होगा, PR बड़का वाला PR माइनस छोटका वाला PF, PR माइनस PF, तो PR कितना है बड़ा वाला 2.56 माइनस PF 0.36, 0.36, 6 में 6 माइनस होगा 0,
पांच में तीन दो पांच, ये दो। ठीक, अब निकालो। अब पीई अपॉन ईक्यू निकालते हैं, तो पीई कितना है? पीई देखिए 0.18, ईक्यू अभी आया 1.10। पॉइंट के बाद दो अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो अंक, तो कट गया 18/110। 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, 9/55 आया। चल छोड़ दे यहीं पे। अब निकालते इधर पीएफ, पीएफ बटा एफआर। पीएफ कितना है? 0.36/FR अभी आया है, FR 2.20। पॉइंट के बाद दो अंक, यहाँ भी दो अंक कट गया, तो बच गया 36/220। काटेंगे 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20, देखो 9/55 बराबर आया। तो लिखेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू आया, बराबर आया PF अपॉन FR। इसीलिए ठीक, इतना खतरनाक।